गुड मॉर्निंग गाइज, वी हैव फॉर राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्कूल. ओपन योर बुक चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 6. ओके, वर्ण एवं मात्राएं. आज हम देखेंगे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण होते कौन से हैं. जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं. इन ध्वनियों को ही वर्ण कहा जाता है. जैसे चाचा, च प्लस आ प्लस च प्लस आ, चाचा. ओके, दिए गए चित्र में बच्चा मुख से च च चाचा का उद्घोष कर रहा है, लाइक दिस. ओके, ध्वनि का यही जो रूप है वो क्या कहलाता है, वर्ण. अब देखो, जो वर्ण की जो परिभाषा है वो क्या है, वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं. जैसे ए आ ई ई, इनके आप टुकड़े नहीं कर सकते तो ये क्या होता है, वर्ण कहलाते हैं. वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और आपका व्यंजन. स्वर आपके जो वोवल्स होते हैं और व्यंजन में आपके जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं. अब देखो, स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, मतलब जिनको बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं ली जाती, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर. हिंदी में जो स्वर है वो 11 होते हैं, ए आ ई ई ऊ र ए ए ओ औ. व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, मतलब जिनको बोलने के लिए हमें स्वर का भी सहारा लेना पड़ेगा, उन्हें व्यंजन कहते हैं. व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 33 होती है, 33. अब देखिए, व्यंजन कौन से होते हैं, क वर्ग में आपके क ख ग घ अणे, च छ ज झ अणे, ये आपके यहाँ तक हैं जो ये व्यंजन है. ठीक है, तो आज आपको सिर्फ यही करना है, वर्ण और मात्राएं देखने हैं. स्वर में कितने वर्ड्स होते हैं और स्वर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, व्यंजन में कितने वर्ड्स होते हैं, वर्ण की व्यंजन की जो डेफिनेशन है वो क्या है और वर्ण की परिभाषा क्या है. ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.